हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम प्रतिवेदन पढ़ने वाले हैं, हिंदी का जो प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं। ये आप एमबीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसका मेंस दे रहे हैं, तो पेपर फिफ्थ में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें प्रतिवेदन आता ही है। तो प्रतिवेदन को हम कैसे लिखते हैं इसका भी मैंने एक एग्जांपल, प्रतिवेदन के भी अलग अलग तरीके होते हैं, इसको हम इंग्लिश में रिपोर्ट बोलते हैं, और इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। अभी मैं इसका पहला जो तरीका लेके आई हूँ, आगे आने वाले वीडियोस में हम सभी प्रकार के प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। ये 2014 का प्रश्न है एमपीपीएससी का, और शायद से 2017 में भी इसको पूछा गया था, तो ये हम इसको देखते हैं। अगर मैं पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरी किसी भी वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आप मेरे नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं, जहाँ आपको जैसे नोट्स में वीडियो में आपको बताती हूँ वैसे ही नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले हम कुछ लाइनें पढ़ लेते हैं। लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं है, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज करनी है। आज खामोशी को पकड़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम प्रतिवेदन क्या है, सब्जेक्ट क्या है प्रतिवेदन का? शीघ्र ही संपन्न हुए किसी विश्व हिंदी सम्मेलन का संक्षिप्त प्रतिवेदन, जिसमें उसकी उपलब्धियां किसी और सीमाओं का भी जिक्र हो, प्रकाशनार्थ प्रस्तुत कीजिए। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो रिपोर्ट में सबसे पहले ये क्या हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और किस तिथि को हो रहा है ये लिख देंगे। तो 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, आयोजन स्थल भोपाल में हुआ था 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन, और आयोजन की तिथि कौन सी थी, 10 से 12 दिसंबर 2015 थी। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका विषय। विषय क्या था, इस विषय हमने, अब हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, प्रतिवेदन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले प्रतिवेदन किस विषय में लिखा जा रहा है वो लिखेंगे। तो विषय है हिंदी जगत का विस्तार और संभावनाएं। अब देखिए, हमारा जो था, जो क्वेश्चन था, उसमें सम्मेलन के बारे में तो लिखना ही लिखना था, साथ में हमें हिंदी की उपलब्धियां और सीमाओं का भी जिक्र लिखना था। तो चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और हिंदी देश की प्राणवायु। हिंदी भारत की सबसे बड़ी भाषा होने के साथ साथ चाइनीज, जो कि मंदारिन भी बोला जाता है, चाइनीज भाषा के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी को विश्व भर में बढ़ावा देने के लिए भोपाल में आयोजित 10वें विश्व हिंदी सम्मेलन में दुनिया भर के हिंदी प्रेमी जुटे। यहाँ पूर्ण राम लगा लीजिएगा। सम्मेलन में 39 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व हिंदी सम्मेलन का शुभारंभ किया और हिंदी को समृद्ध और डिजिटल बनाने पर जोर दिया। लगभग 32 साल बाद एक बार फिर विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में आयोजित हुआ, जिसमें 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का केंद्रीय विषय था हिंदी के प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए करना क्या है पर विचार विमर्श किया गया। अगर वर्तमान में हिंदी की बात की जाए तो इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि हिंदी ने अपना विस्तार किया है। हिंदी भारत की ही नहीं, विश्व के एक बड़े क्षेत्र की भाषा बन गई है। भारतीय मूल के लगभग 2.5 करोड़ लोग विश्व भर में रह रहे हैं। पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में अमेरिका तक देशों में भारतीय मौजूद हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हिंदी में BA MA की शिक्षा दी जा रही है। विश्व के लगभग 35 देशों के 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। विश्व में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का प्रमाण है कि भारत आर्थिक और सामरिक रूप से विश्व में महाशक्ति बन रहा है। भोपाल में दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन में हुए विचार विमर्श अगर मूर्त रूप ले लेते हैं तो यह निश्चित है कि यह हिंदी सम्मेलन हिंदी के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का प्रतिवेदन। ऐसे ही और प्रतिवेदन के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा। मैंने टिप्पण लेखन प्रष्टांकन का प्रारूप आपको बता दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में, मैं MBPSC मेंस की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके उस प्लेलिस्ट में से और भी जो वीडियोस हैं हिंदी के वो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, एथिक्स के भी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। पेपर थर्ड के केमिस्ट्री के वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, आप वो देख सकते हैं। अभी मेरे पास PDF जो रेडी है वो ज्योग्राफी की 3 मार्कर की है और एंशियंट हिस्ट्री के 3, 6 एंड 15 मार्कर की है।
ज्योग्राफी की जो पीडीएफ है उसकी जो प्राइस है वो 90 रुपीज़ है, और हिस्ट्री की जो प्राइस है वो 100 रुपीज़ है। आप उसको परचेस कर सकते हैं। जल्द ही आपको एथिक्स का भी मिल जाएगा, एथिक्स का 3, 6 एंड 15 मार्कर का जो आपको मिल जाएगा, जिसकी प्राइस आपको 200 रुपीज़ रहेगी, जहाँ पे आपको पूरा एथिक्स मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आप हिंदी का वीडियोस देख रहे हैं, ऐसे ही हिंदी के 3 मार्कर प्रश्न, सभी जो पृष्ठांकन है, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन का प्रारूप भी आपको मिल जाएगा, जिसकी प्राइस भी आपकी 200 रहेगी। और अगर आपको केवल 3 मार्कर चाहिए है तो वो 70 रुपीज़ रहेगा, जो अभी तैयार हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं तो आपको YouTube में भी वीडियोस मिलते जा रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आप ये मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप इस नंबर पर मुझे WhatsApp कर सकते हैं, इनके जो नोट्स तैयार हैं आप वो उनको परचेस कर सकते हैं। और भूगोल और प्राचीन इतिहास की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। WhatsApp टेलीग्राम पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको मेरी किसी भी वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मेरे इस कोर्स से तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एक दिन में ला पाऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।